डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सिस्टम टेस्टिंग, और सिस्टम टेस्टिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स की भी हेल्प लूंगा, ताकि आपको कहीं भी पूछ ले सिस्टम टेस्टिंग के बारे में, आप इजीली और बेस्ट आंसर दे सको। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिए तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिस्टम टेस्टिंग। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम बात करें टाइम लाइन के अकॉर्डिंग, मतलब सबसे पहले हमारे पास आ जाती है यूनिट टेस्टिंग, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं विद एग्जांपल। देन हमारे पास आ गई थी इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल यूनिट को हम लोग टेस्ट कर रहे थे। फिर जैसे जैसे हमारे इंडिविजुअल यूनिट जो है वो तैयार हो रहे हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम उनको जोड़ रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर हम उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं, और उसके बाद जब मेरा पूरा सिस्टम तैयार हो गया, जब मेरा पूरा का पूरा मॉड्यूल जो है वो पूरा का पूरा मेरा सिस्टम तैयार हो गया, फाइनली अब मुझे पूरे सिस्टम की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं क्या, अपना सिस्टम टेस्टिंग। तो सिस्टम टेस्टिंग इज अ लेवल ऑफ टेस्टिंग दैट वैलिडेट्स द कंप्लीट एंड फुली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, मतलब पूरा प्रोडक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, सारे के सारे यूनिट्स आपने इंटीग्रेट कर दिए हैं, और फाइनली अब आप क्या कर रहे हो, उसको टेस्ट कर रहे हो। दैट इज व्हाट अ सिस्टम टेस्टिंग। द पर्पस ऑफ सिस्टम टेस्ट इज टू इवैल्यूएट एंड टू एंड सिस्टम स्पेसिफिकेशन, मतलब आपके पास जो SRS डॉक्यूमेंट में यूजर ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई थी कि मेरे को ये सिस्टम चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली मैच करेंगे कि क्या वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस को हमने फुलफिल किया या नहीं किया। तो ये पूरा कंप्लीट जो है वो टेस्ट हो गया यहां पे, और इसको हम लोग जो है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी बोल देते हैं, मतलब ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को यूज करता है। तो व्हाइट और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास ब्लैक बॉक्स में जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, मतलब हमारे पास जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, पूरा जो सिस्टम है, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, हम सिर्फ उसको इनपुट दे रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं कि क्या मेरी आउटपुट प्रॉपर आ रही है नहीं। जैसे जैसे आप कार का एग्जांपल ले लो, मतलब कार आपकी बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है, आपने उस कार को टोटली कंप्लीट कर दिया है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, चाबी लगा के, की लगा के, या फिर कीलेस भी अगर है तो हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करके हम उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कार के अंदर जो मल्टीपल सिस्टम्स लगे हुए हैं, अब हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ उसको इनपुट देंगे और चेक करेंगे कि क्या वो आउटपुट प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही। तो ये एक तरह से ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है कि अंदर के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो ये आपका सिस्टम, ऑब्वियसली अब देखो यूनिट की बात करें तो यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का यूज करते हैं। व्हाइट बॉक्स का मतलब क्या है, हम इंटरनल स्ट्रक्चर को भी डिटेल में देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है नहीं। तो यहां पे तो मेरा सिस्टम पूरा रेडी हो गया, अब मैं ये नहीं देखूंगा कि इंजन में कैसे वायर जा रही है या फ्यूल कैसे ट्रेवल कर रहा है, वो सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है, अब तो सिर्फ मैं कार को चलाने का मजा लूंगा, मतलब मैं कार को टेस्ट करूंगा, कार को चलाऊंगा पहले गियर में, दूसरे गियर में, ऑटोमेटिक है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका फाइनल जो है वो इनपुट देंगे और उससे आउटपुट जो है वो लेंगे। देन सिस्टम टेस्टिंग कैटेगरीज बेस्ड ऑन, मतलब सिस्टम टेस्टिंग की कैटेगरीज है, जैसे अगर हम बात करें कौन टेस्ट कर रहा है, सिस्टम को कौन टेस्ट कर रहा है, तो उसमें हमारे पास आ जाती है एक अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग का मतलब क्या है, जिसने कार बनाई है, मतलब जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है, वो खुद पूरे सॉफ्टवेयर को, पूरे सिस्टम को चेक कर रहा है। और बीटा टेस्टिंग का मतलब क्या है कि उसके जो फ्रेंडली लोग हैं, मतलब उसके जो फ्रेंड्स हैं, वो उसको चेक कर रहे हैं। जैसे आप सिंपल मूवी का एग्जांपल ले लो, हमने मूवी बनाई, मूवी बनाने के बाद सबसे पहले डायरेक्टर ने खुद चेक किया, प्रोड्यूसर ने चेक किया कि क्या मूवी प्रॉपर बनी है, प्रॉपर सारी चीजें आ गई, राइटर ने चेक किया। तो ये चीजें जो है वो आपकी अल्फा टेस्टिंग के अंदर आ गई। फिर क्या होता है, प्रीमियर होता है ना, मूवी मार्केट में आने से पहले, आपके थिएटर में लगने से पहले उसका प्रीमियर किया जाता है। प्रीमियर में क्या होता है कि जो एक्ट्रेस हैं या एक्ट्रेसेस, वो आपस में अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, जो मेन वीआईपीज बुलाते हैं, और उनको पहले भी दिखाते हैं, वो होगी एक तरह से बीटा टेस्टिंग। और फाइनली फिर आ जाती है एक्सेप्टेंस, मतलब क्या क्लाइंट, जिसने वो चीज बनवाई थी, वो इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो क्लाइंट अपने एंड पे, वही हो गया ना, जैसे कार में आप जाओगे तो कार में सबसे पहले जिसने कार बनाई उसने चेक किया, फिर कार वाले ने अपने फ्रेंड, मतलब जैसे टोयोटा की बात करें तो उसने फोर्ड वालों को बोला, जो भी उसके दोस्त हैं उनको बोला कि यार आप भी हमारी कार चेक
चेक कर दो और फाइनली फिर जिसने कार लेनी है कस्टमर जाके कार को ड्राइव करके देखेगा, टेस्ट करेगा। तो वो जो कस्टमर जो है वो एक तरह से टेस्ट जो ले रहा है, टेस्ट ड्राइव ले रहा है, वो काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर आ जाता है कि आप उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। देन हमारे पास आ जाता है सिस्टम टेस्टिंग कैटेगरीज बेस्ड ऑन फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। मतलब कि जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमें चाहिए कि कार प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं, ब्रेकिंग सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है, एग्जॉस्ट सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है, लॉकिंग सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है, ये सारी चीजें एक तरह से आपकी फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर आ जाती है। नॉन फंक्शनल के अंदर क्या आ जाता है, जैसे लोड टेस्टिंग की बात करें, मतलब कार थी आपकी, कार में बोला कि यार 7 लोग बैठ सकते हैं, तो आपने क्या किया, 4 लोगों को, 5 लोगों को या 7 लोगों को बिठा के कार को चला के देखा, लोड को टेस्ट किया। स्ट्रेस टेस्टिंग आ जाती है नॉन फंक्शनल में, जिसमें हम एक तरह से परफॉर्मेंस चेक करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं। अब स्ट्रेस टेस्टिंग में एक तरह से क्या हो गया, लोड में आपने 5 या 7 लोगों को बिठाया, मतलब 7 सीटर थी तो आपने मैक्सिमम 7 को बिठाया, स्ट्रेस में आपने क्या किया, 7 की जगह 10 लोगों को या 12 लोगों को घुसा के, मतलब इतना वेट डाल के उसको चलाने की कोशिश की, मतलब एक तरह से उसको ज्यादा वेट डाल के हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से स्ट्रेस हो गया। ऐसे ही आपके पास आ जाते हैं स्केलेबिलिटी, मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब कार कहते हैं कि यार आप 120 मैक्सिमम स्पीड इसकी हो सकती है फॉर एग्जांपल, तो आपने उसको 140 पे दौड़ा के देखा कि क्या अब ये प्रॉपरली काम करे, मतलब काइंड ऑफ एक तरह से हम उसकी परफॉर्मेंस को, मतलब एक तो हो गया परफॉर्मेंस जो नॉर्मल स्टेट में चेक करना, और एक परफॉर्मेंस की आप उसको एक्सट्रीम कंडीशंस पे चेक कर रहे हो, दैट इज अ काइंड ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सो ये सारी आगे फर्दर डिटेल में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको एटलीस्ट ये पता लग गया सिस्टम टेस्टिंग होती क्या है, कौन इसको करता है, और एग्जांपल्स आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। थैंक यू।